जय साथियों, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में मल्टीप्लाई ट्रिक। आज मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा। अब आप कहेंगे गुणा सीखने में क्या है, वो तो मैं पहले से आता है, लेकिन आज मैं आपको गुणा करना ही नहीं, सेकंडों में गुणा करना सिखाऊंगा। आप सवाल को इस प्रकार देखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे बस, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार शानदार और डिफरेंट टाइप का वीडियो। हाँ तो साथियों, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको ये सवाल लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रिक वन और ट्रिक टू, दो ट्रिक आज आपको सिखाऊंगा मैं मल्टीप्लाई की। तो जो नंबर वन ट्रिक आती है उसमें क्या है, उसमें आपको यहाँ पर जो ये वाले जो अंक होंगे ये आपको इनका योग हमेशा 10 होगा और यहाँ पर समान अंक होने चाहिए, उन सवालों में ये ट्रिक लागू हो जाएगी। यहाँ पर समान, यहाँ पर तो अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 और यहाँ पर समान अंक। तो देखते हैं नंबर वन ट्रिक आपको इसमें क्या करना है, जब आपको इधर वाले अंक समान दे रखे हो तो आपको 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेना। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जो आपका ये 4 है इसको 4 से करने से मल्टीप्लाई से पहले इसमें +1 कर दीजिए, यानी 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, आपका कितना आएगा 20, यह आपका एकदम राइट आंसर आ गया। समय लगा नहीं लगा बिल्कुल ही। देखते हैं इस सवाल को भी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 और 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा 16, ये आ गया। उसके बाद आपको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने की अपेक्षा इसमें 1+ करके यानी 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 7 जो कितना होता है वो होता है हमारा 42, ये आ गया आपका राइट आंसर। तो मतलब आपका सेकंडों में आंसर हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी सेकंड ट्रिक आती है, तो आप उस आप में आपको उसमें क्या करना है कि आपको जब यहाँ ये वाले अंक सेम दे रखे हो और इधर वाले अंकों का योग कितना हो 10 हो, तो आप उसमें ये ट्रिक लागू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ही है, कितने हो जाएंगे 9 को 9 से करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 81। फिर उसको आप, फिर उसके बाद आपको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। उसके बाद ये वाला 9 इसमें ऐड कर लीजिए, 9 ऐड करें तो आपके पास आएगा 33, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद इस सवाल को देखें और गौर से, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 49। फिर 8 को 2 से कर लीजिए कितना आएगा 16 और 16 में +7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23, तो ये आपका टोटल आंसर हो गया। समय लगा नहीं लगा, ये दो सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। और ऐसे ही शानदार ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आगे भी हमारे ऐसे शानदार वीडियो मिलते रहे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।